देखिए, सबसे पहले तो एक गलत फहमी क्रिएट की गई है कि SDPI जो सिर्फ मुसलमानों का वोट लेती है बोल के, सबसे बड़ी गलत फहमी है। क्योंकि मुसलमानों के वोट तो हमें पड़ रहे हैं 100%, क्योंकि जहाँ तक मेरा पर्सनल ताल्लुकात है, 50 से ज़्यादा आलिमों ने मेरे को वादा किया है, कसम खाई अल्लाह के ऊपर, कि ये खुफिया तरीके से SDPI के लिए काम करेंगे। ये मुसलमानों का काम हो गया। और जितने भी एजुकेटेड वोटर्स हैं इस बार डिसाइड करे हैं कि इस बार हम राज बदल के रख देंगे जॉर्ज का और देंगे SDPI को वोट। और रही बात नॉन मुस्लिम्स की, आपने देखा होगा मैसूर में लेकर पुलकेश नगर में लेकर सरोदय नगर में सारे हमारे क्रिश्चियन भाइयों ने ओपन डिक्लेरेशन दिया है कि हमारी पार्टी अब कांग्रेस नहीं है, हमारी पार्टी अब SDPI है। एक नई सोच, एक नई समझ के साथ नया चेहरा क्रिश्चियन कम्युनिटी का होगा SDPI, ये उन्होंने डिक्लेयर किया है। क्योंकि हमारे अल्फांसो फ्रेंको साहब जो है मूड बिदरे से इलेक्शन लड़ रहे हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले। और रही बात हिंदू भाइयों की, यहाँ पर जो है आपने देखा होगा कि सरोदय नगर में, पुलकेश नगर में खास करके हिंदुओं में पिछड़े लोग हैं, जो दलित और आदिवासी लोग हैं, जितने तमिल भाई हैं, सारों ने जो है वन साइड इस बार डिसाइड किया है कि कांग्रेस ने हमें मुसलसल धोखा दिया है, तो हमारा एक नया चेहरा होगा SDPI। तो सारे हिंदू भाइयों ने भी डिसाइड किया है, बस जो ऊपर दिखता है वो सिर्फ शोर शराबा है, पैसे के लालच पर कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, बट हकीकी वोटर हमारे साथ है। हकीकी तरीके में जितने भी लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, बंद कमरे में बैठकर जो बात कर रहे हैं, वो सिर्फ कहते हैं कि SDPI ही जीतेगा और अब्दुल हन्नान साहब और भास्कर प्रसाद साहब को ही जिताना है। दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा बातचीत चल रही है, हर गली मोहल्ले में, हर घर में, हर नौजवान वोटर और खास करके 18 साल जो मुकम्मल किया है पहला वोटर, उसका वोट इस बार जाएगा 100% SDPI को, कहीं और नहीं जाएगा। सर्वज्ञानगर असम्बली के हालात ऐसे हैं, आपको 2 दिन में पोलिंग के दिन पता चल जाएगा सर्वज्ञानगर में SDPI का सिलेंडर खिलने वाला है। गली गली में, पूरे घरों घरों में सिर्फ सिलेंडर के ही चर्चे हो रहे हैं। हमारे तमिल भाई हो, कन्नड़ा वाले भाई हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, सारे कम्युनिटियों में, सारे चर्चों में, सारे दलितों के संगठन में सिर्फ SDPI का चर्चा हो रहा है। पिछले 15 साल से जो जॉर्ज साहब है, बेसिक एम्यूनिटी देने में सर्वज्ञानगर को फेलियर हुए हैं। होम मिनिस्टर रह चुके, बैंगलोर अर्बन मिनिस्टर रह के भी सर्वज्ञानगर की बेसिक एम्यूनिटी जो लोगों तक पहुंचाना था वो एम्यूनिटी पहुंचाने में फेलियर हुए हैं। जॉर्ज साहब, SDPI पिछले कई सालों से सर्वज्ञानगर में काम करती हुई आ रही है। इस बार SDPI के उम्मीदवार जनाब अब्दुल हन्नान साहब कामयाब होंगे। सिलेंडर के निशान को, सीरियल नंबर 6 को तमाम हजरात जुड़कर वोट दे रहे हैं। शुक्रिया।